Redmi Note 11 कैमरा रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो हम आउटडोर में आ चुके हैं और डिटेल में यहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के सैंपल लेने वाले हैं Redmi Note 11 कर। भाई देखते हैं कि ये कितना कैपेबल फ़ोन है कैमरा वाइज देखा जाए। भाई यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का सेंसर तो है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस वीडियो में चेकआउट करने वाली हैं। तो अगर आप भी Redmi Note 11 को कैमरा के लिए सोच रहे हैं तो वीडियो को डिटेल से देखिएगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सैंपल सारे देख लें फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के, और हम सैंपल्स को देखने के बाद जज करेंगे कि भाई इसका कैमरा किस तरह वर्क करता है। वो हम स्टूडियो में जाकर चेकआउट करेंगे, सारे सैंपल्स को खुद भी चेक करेंगे, आपको भी बताएंगे। सो लाइक कर दें अगर अभी तक नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम जी, इस टाइम जो अभी आप वीडियो सैंपल्स देख रहे हैं ये है Redmi Note 11 के फ्रंट कैमरा के साथ 1080p इंटू 30 फ्रेम पर सेकंड। अभी ऐसे मेरी आंखें आपको ऐसे लग रही हैं बंद है, वो सूरज की रोशनी डायरेक्ट मेरे फेस पे पड़ रही है। और अभी आप जो वीडियो सैंपल्स देख रहे हैं ये है इसके फ्रंट कैमरा से 1080p इंटू 30 फ्रेम पर सेकंड, लेकिन सूरज भाई बैक साइड पर है और देखते हैं ये किस तरह इस कैमरा इसको एडजस्ट करता है। ये सारे सैंपल्स हम स्टूडियो में जाके चेक करेंगे कि भाई ये किस तरह एडजस्ट वगैरह करता है। अभी ये क्रॉप कर रहा है वीडियो को, इसी वजह से ऐसे मेरा मुंह बड़ा आ रहा है, मैंने हाथ को बिल्कुल पीछे किया हुआ है। अच्छा यार, ये चीज़ आपको बताने के लिए ना कि क्रॉपिंग क्या होती है, आपने देखा कि उस कैमरे में मेरा मुँह ऐसे बड़ा आ रहा था, तो अभी मैं ये Realme 8 से शूट कर रहा हूँ। आपको ये चीज़ चेकआउट करवानी थी कि जो फ़ोन क्रॉप नहीं कर रहे उनका साइज़ कितना होता है वीडियोग्राफी में फ्रंट कैमरा से, अगर आप हाथ से पकड़ रहे हैं सेम डिस्टेंस से, और जिसमें क्रॉपिंग होती है उसका क्या सीन होता है। अभी अभी वीडियो सैंपल्स देख रहे हैं ये है Redmi Note 11 के फ्रंट कैमरा से, लेकिन इस टाइम मैं शेडो में हूँ, मेरे ऊपर सनलाइट कोई भी नहीं पड़ रही, और देखते हैं कि इसका रिजल्ट किस तरह निकल जाता है। अभी आप सिर्फ सैंपल्स को एंजॉय करें, और जो एक्चुअल में रिजल्ट है फोटो वीडियोग्राफी का मेरे मुताबिक वो मैं स्टूडियो में जाकर चेकआउट करूँगा और लास्ट वाले पार्ट में आपको बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम जी, इस टाइम जो भी आप वीडियो देख रहे हैं ये है Redmi Note 11 के फ्रंट कैमरा के साथ लो लाइट में, लेकिन यहाँ पर लाइट बिल्कुल ही जीरो नहीं है, यहाँ पर लाइट का सोर्स अवेलेबल है। लेट मी शो यू, यहाँ पर लाइट का सोर्स अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद इसका लो लाइट में कुछ ये है। अस्सलाम वालेकुम जी, इस टाइम जो अभी आप वीडियो सैंपल्स देख रहे हैं ये है Redmi Note 11 के बैक कैमरा से 1080p इंटू 30 फ्रेम पर सेकंड, और जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये भी इससे के माइक है, मैंने कोई एक्सटर्नल माइक नहीं लगाया हुआ। अब मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में भाई रिजल्ट क्या निकल के आ रहे हैं वीडियोग्राफी के। अभी मैं शेडो में हूँ, और बाकी हम जब स्टूडियो में जाकर चेकआउट करेंगे कि खुद भी देखूंगा और आपको भी एंड वाले पार्ट में बताऊंगा कि इसका कैमरा कैसा है वीडियोग्राफी कैसी है, सब कुछ चेकआउट कर लेंगे। आपको वैदर वे कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा जी, इस टाइम जो भी वीडियो देख रहे हैं ये है Redmi Note 11 के बैक कैमरा के साथ, यहाँ पर हम आउटडोर में आए हुए हैं 1080p इंटू 60 फ्रेम पर सेकेंड, और सूरज की रोशनी सीधा मेरे फेस पर पड़ रही है। होप्स ओके इस बार तो वीडियो अच्छी ही निकल गया, क्योंकि हमने बैक 30fps का देखा है, मुझे इतना ज़्यादा कोई मज़ा नहीं आया, लेकिन यार ये भी चेकआउट करेंगे स्टूडियो में जाकर कि इसका क्या सीन निकल के आता है। अभी थोड़ा सा तेज़ भागो, देखते हैं कि ये 60fps किस तरह एडजस्ट करता है, थोड़ा सा तेज़, ताकि पता लगे कि भाई ये जो जटर वगैरह ये रिमूव करता है कि नहीं करता, सारी चीज़ें हम जाकर स्टूडियो में चेक कर लेंगे। आपको भाई दफ़े कैसी लग रही है कमेंट करके, बस तेज़ भागो ना, तेज़ भागो ज़रा, देखो क्या सीन निकल के आता है। अभी इस टाइम जो भी आप वीडियो देख रहे हैं ये है Redmi Note 11 के बैक कैमरा के साथ 1080p इंटू 30 फ्रेम पर सेकंड, मैंने कहा ज़रा चेकआउट कर लें के विदाउट ह्यूमन ऑब्जेक्ट इसकी वीडियोग्राफी कैसी है। अभी मुझे ऐसे लाइक लिटिल बिट जटर फील वगैरह हो रहा है, लेकिन है देखते हैं कि 60fps में कैसे है। इस टाइम अभी अब जो वीडियो देख रहे हैं ये है नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट 1080p इंटू 60 फ्रेम पर सेकंड, यहाँ पर मुझे स्मूथनेस फील हो रही है ऐसे जब मैं व्यू फाइंडर में देख रहा हूँ, एज़ कम्पेयर टू 1080p इंटू 30 फ्रेम पर सेकंड। लॉजिकल बात भी है भाई, 60fps में थोड़ी स्मूथनेस होनी है।
अभी आप जो वीडियो सैंपल्स देख रहे हैं ये है रेडमी नोट 11 के बैक कैमरा से इंडोर में, यहाँ पर लो लाइट में, लेकिन यहाँ पर आपको जैसा कि दिखाया स्टार्टिंग में कि लाइट यहाँ पर लाइट सोर्स अवेलेबल है, बिल्कुल जीरो लाइट नहीं है। अभी देखते हैं भाई लो लाइट में कैसा इसका बैक कैमरा के फॉर्म। सो गाइस आई होप आपने सारे कैमरा सैंपल्स देखे होंगे रेडमी नोट 11 के। मैंने भी यहाँ पर भाई डिटेल से सारे चेकआउट कर लिए सैंपल, और आपको यहाँ पर मैं क्विकली तरीके से अपना ओपिनियन देने वाला हूँ कि भाई कैमरा मुझे कहाँ पर कैसा लगा है, और ये भी आपको बताने वाला हूँ कि रेडमी नोट 11 का कैमरा अच्छा है या रेडमी नोट 10 का कैमरा अच्छा था, अपग्रेड है डाउनग्रेड है वो भी आपको ऐसे बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल डायनेमिक रेंज की बात कर लिए तो डायनेमिक रेंज मुझे इस फोन की बैक कैमरा की अच्छी लगी है, क्योंकि यहाँ पर कलर को ऑप्टिमाइज किया जाता है विच इज अ गुड थिंग। तो डायनेमिक रेंज का ना जो एडजस्ट होकर निकल गया था सीन वो मुझे ज्यादा अच्छा लगा है। साथ ही बात कर लिए इस कैमरा के पोर्ट्रेट मोड को, तो पोर्ट्रेट मोड भी इसका मुझे अच्छा लगा है, क्योंकि यहाँ पर डिटेल भी अच्छी आ रही थी, लेकिन स्मूथनेस थी वो आपको देखनी पड़ेगी, आपने सारे सैंपल्स चेकआउट कर लिए होंगे। साथ ही बात कर लिए ओवरऑल पिक्चर जो निकल के आती है ग्रीनरी वगैरह की, वो भी मुझे अच्छी देखने को मिली है। और इस तरह बात कर लिए यहाँ पर सिंपल फेस या ह्यूमन ऑब्जेक्ट की पिक्चर, तो अगर तो आप आउटडोर में हैं और आपके भाई फेस के ऊपर शेडो है ना, तो यहाँ पर डिटेल लाइक इस तरह की पिक्चर निकल के आएगी कि लाइक आपको कार्टून बना देगा। यहाँ पर सारे सैंपल्स आपने ऑलरेडी देख लिए हैं, मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर भी कई साइड पर ये पिक्चर लगा दूँ। लेकिन उस तरह बात कर लिए अगर आप आउटडोर में और सूरज की रोशनी आपके फेस पे पड़ रही है या एक अच्छी लाइट कंडीशन है, तो एक अच्छी पिक्चर निकल के आ जाएगी, लेकिन उसमें भी आपको डिटेल क्रिस्पनेस वो देखने को नहीं मिलने वाली। ऐसे क्रीम लगा देता है ना, अगर आप क्रीम नहीं लगाते तो ये फ़ोन क्रीम लगा देता है, इतनी ज़्यादा नहीं लेकिन हल्की सी। उस तरह बात कर लिए इस कैमरा की 50 मेगापिक्सल की, अगर आप डेडिकेटेड 50 मेगापिक्सल को ऑन करते हैं ना, तो सबसे बेस्ट पिक्चर जो निकल के आती है ना इसके कैमरा से वो 50 मेगापिक्सल से निकल के आती है, तो ये चीज़ मैंने नोट की है। साथ ही बात कर लिए इस डिवाइस में अल्ट्रा वाइड मोड की, तो अल्ट्रा वाइड मोड के दो सिनेरियो हैं। अगर तो आप ह्यूमन ऑब्जेक्ट के साथ अल्ट्रा वाइड लेंगे ना, तो ऐसे थोड़ा सा अजीब हो जाएगी पिक्चर की क्वालिटी, डाउनग्रेड हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है कि अल्ट्रा वाइड सेंसर कितने मेगापिक्सल का मेन सेंसर, लेकिन अगर आप नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट की पिक्चर लेंगे तो आपको इतना ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलने वाला। साथ ही यहाँ पर 10x जो है 10x मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस फ़ोन का, क्योंकि यहाँ पर 1x 2x 10x में डिटेल इतनी ज़्यादा यहाँ पर डिक्रीज नहीं होती, ये सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन इसमें अच्छी की गई है। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको बतानी है कि सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन की बात आई है, यहाँ पर मैं रिकॉर्ड कर रहा था वीडियो तो उसके दौरान ये स्टक हो रहा था, कैमरा लैग कर रहा था। मैं कोशिश करूँगा कहीं ना कहीं अभी आपको सैंपल भी दिखा दूँ, मैंने वो रिकॉर्ड भी किया। साथ ही बात कर लिए इस डिवाइस के सेल्फी डिपार्टमेंट की, तो सेल्फी डिपार्टमेंट भी इसका अच्छा है। आउटडोर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, अभी सारी ये फोटोग्राफी की बात हो रही है वो आउटडोर की हो रही है। लो लाइट की बात कर लिए, तो जैसे ही आप लो लाइट में आते हैं ना, बैक कैमरा की बात कर लीजिए या सेल्फी की बात कर लीजिए, इंतकाल हो जाता है भाई यहाँ पर परफॉर्मेंस का। तो ये चीज़ मैंने नोट की है लो लाइट में ये बहुत ही ज़्यादा कंप्रोमाइज है ये वाला स्मार्टफोन। और यहाँ पर इसके कैमरे में एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि भाई जितना ऑब्जेक्ट के पास जाके पिक्चर लोगे ना, उतनी ही ज़्यादा बेटर क्वालिटी, उतनी ही ज़्यादा बेटर डिटेल आपको देखने को मिलेगी। और जितना ऑब्जेक्ट से आप दूर जाओगे, चाहे वो ह्यूमन ऑब्जेक्ट हो या चाहे कोई भी और ऑब्जेक्ट हो, जितना दूर जाते जाओगे डिटेल ख़त्म होती जाएगी। और ये सारा सीन है, मैंने जितनी करीब से पिक्चर ली है डिटेल मुझे काफ़ी अच्छी देखने को मिली है, जैसे ही मैं थोड़ा सा दूर गया हूँ ऐसे उस हिसाब से ना ऐसे ग्राफ नीचे की तरफ आता गया, तो मैं सोचा ज़रा आपको बता। वीडियोग्राफी की बात कर ली तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इसकी भाई फ्रंट वीडियोग्राफी की, मैक्सिमम 1080p की सपोर्ट है। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लिए एक कंडीशन इसको देते हैं कि भाई अगर आपके फेस के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही है और बैक साइड पर भी सूरज की रोशनी है, अच्छी लाइट कंडीशन आउटडोर में, तो यहाँ पर डायनेमिक रेंज अच्छी होगी, कलर अच्छे निकल के आएंगे, लेकिन डिटेल पूरी वीडियोग्राफी में अच्छी नहीं निकल के आएगी, क्योंकि मुंह को ऐसी स्मूथनेस का टच दिया गया है। उस तरह बात कर लिए अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर आप शेडो में हैं और बैक साइड पर सूरज की रोशनी है, तो फिर यहाँ पर डायनेमिक रेंज एडजस्ट होकर नहीं निकल गई। ओवरऑल बात कर लूँ आपको गुजारा तो हो जाएगा, लेकिन डिटेल वगैरह इतनी ज़्यादा आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाली, स्मूथनेस का टच आपको यहाँ पर ज़्यादा ही देखने को मिलने वाला है। बैक साइड वीडियोग्राफी की बात कर लिए तो भाई यहाँ पर मैक्सिमम 1080p इंटू 60fps तक यहाँ पर वीडियोग्राफी का मोड अवेलेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि भाई आउटडोर वीडियोग्राफी कैसी निकल के आई है। यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन देते हैं 1080p इंटू 30fps, जो पहला शॉट हमने रिकॉर्ड किया कि अगर आप शेडो में हैं और बैक साइड पर सूरज की रोशनी है, डायनेमिक रेंज अच्छी निकल के आएगी, लेकिन डिटेल और स्मूथनेस इतनी ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलने वाली। सेकंड बात कर ली सेकंड कंडीशन की, अगर आप आउटडोर में हैं, सूरज की रोशनी आपके फेस पे पड़ रही है, बैकग्राउंड पर सूरज की रोशनी है, तो यहाँ पर डिटेल अच्छी देखने को मिलेगी, स्मूथनेस अच्छी देखने को मिलेगी, और कलर भी कंपैरेटिवली अच्छे देखने को मिलेंगे। और वीडियोग्राफी में ये सबसे ज़्यादा अच्छा पॉइंट है जो मुझे लगा है। ओवरऑल बात कर ली आउटडोर में वीडियोग्राफी में आपका गुजारा कर जाएगा,
लो लाइट की बात कर लिए तो भाई लो लाइट में तो इसका भी वही सेम सीन है जैसे फ्रंट साइड का हाल था। तो वीडियोग्राफी में यू कैन से कि आपका गुजारा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप इसको ऑप्टिमल कंडीशन देंगे तो थोड़ी सी बेटर आ जाती है, लेकिन जैसे ही ऐसे कंडीशन थोड़ी सी बुरी आती है ना, लाइक आप शेडो में आ जाते हैं या आप सूरज की रोशनी आपके अपोजिट आ जाती है, तो इस कंडीशन में ये डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है इसमें। और 1080p 30fps पर यहाँ पर स्मूथनेस का भी इशू आता है। सो ओवरऑल बात कर लीजिए आपको गुजारा हो सकता है। सो गाइस, आई होप मैंने आपको डिटेल से बता दिया होगा कि भाई रेडमी नोट 11 का कैमरा कैसा है। अब इसको मैं जल्दी से सम अप करता हूँ ऐसे सिंपल वर्डिंग में कि इसका कैमरा अच्छा है या बुरा है। नो डाउट इसका कैमरा अच्छा है, लेकिन हमने देखना है कि भाई रेडमी नोट 10 जो इसका प्रीवियस मॉडल था ये उसका सक्सेसर है कि नहीं, ये एक्चुअल में डाउनग्रेड है। कैमरा अच्छा तो है, मैंने आपको अगेन बता रहा हूँ, लेकिन ये डाउनग्रेड है। देखा जाए तो Redmi Note 10 में Sony IMX 582 का सेंसर था जो कि ज़्यादा अच्छा था 48 मेगापिक्सल के साथ एज़ कम्पेयर टू 50 मेगापिक्सल GN1 का सेंसर, और साथ में उसमें 4K की रिकॉर्डिंग भी थी। वैसे नंबर को भी साइड पर रखा जाए ना, ओवरऑल रियल टाइम की बात कर लीजिए, मैंने दोनों के कैमरा को ऐसे डिटेल से उसका भी रिव्यू किया हुआ, काफ़ी टाइम उसे यूज़ किया है, इसको भी यूज़ किया है, डिटेल से रिव्यू भी किया है। ओवरऑल बात करें तो मैं Redmi Note 10 को रखूँगा ऊपर इसके मुकाबले में। अगर आपने कैमरा के लिए कोई डिवाइस परचेज करनी है, आप सोच रहे हैं कि भाई इसका अच्छा है या Redmi Note 10 का अच्छा है, तो Redmi Note 10 का अच्छा है। और साथ में अगर आप चाहते हैं कि इस डिवाइस के हम किसी और डिवाइस के साथ कंपैरिजन करें तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ डिवाइसेज मेरे माइंड में आ रही हैं उनके साथ कंपेरिजन तो मैं सोच रहा हूँ। बाकी आपके माइंड में कोई वैसी वीडियो जो आप चाहते हैं फोन से कमेंट करके बताइए। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।